ब्लैक मिलानो एंड अदर मेटालिक रेड ट्राई करूँ। तो ये एक येलो वैली स्लाइडर है, तो काफी बड़े साइज में है। अभी एक टेरेंटुला है, चाकू गोल्डन नी टेरेंटुला बोलते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू ऑफिस, और मैं वापस आया हूँ ज़ोटिक एक्वाटिक्स में। काफी टाइम बाद साहिल भाई के शॉप में आया हूँ, तो देखते हैं। साहिल भाई के पास काफी बेटा का स्टॉक आया हुआ है, बेटाज और काफी सारे दूसरे फिशेज भी, और एग्जॉटिक बेटाज बोलेंगे। तो देखते हैं साहिल भाई ने कौन सा बेटा फिशेज लाया है। तो अभी मिलते हैं साहिल भाई से। तो यहाँ पे अपने फेवरेट साहिल भाई, जिन्होंने बेटा फिशेज का काफी क्रेज लाया, इतना क्रेज था नहीं पहला बेटा फिशेज का। तो साहिल भाई थैंक यू कि एक बार बेटा अपने इतना क्रेज लाया एक्वेरियम वर्ल्ड में, इंडिया में। तो साहिल भाई, आज क्या क्या है ज़ोटिक एक्वाटिक्स में, आज हम वीडियो में क्या क्या देखने वाले हैं? जैसे आज ही मतलब यस्टरडे नया स्टॉक फाइटर्स का आया हुआ है, सब एक्जॉटिक वराइटीज है, गैलेक्सीज है, बटरफ्लाईज है, रोस्टेल है, क्वीज है, नीमो कैंडीज वगैरह है। तो सिर्फ बेटाज ही नहीं, बाकी ये फिर यहाँ पे सब है, मतलब एक्जॉटिक बबल है, गोल्ड फिश है, फ्लावर ऑन भी है, यहाँ पे जो टेट्रा सेक्शन की वराइटीज है। एंड ज़्यादा करके फाइटर्स का तो अराउंड 800 to 900 पीसेज आए हुए हैं। सो वी गो थ्रू वन ऑफ मोस्ट ऑफ द वराइटीज इफ पॉसिबल, जितना हो सकता है कवर अप करके, एंड वी सी सब थोड़ा बहुत गाइडलाइंस कैसा रखना चाहिए, कैसा नहीं रखना चाहिए फिशेज को। सो आई टेक यू थ्रू ऑल द रेस्ट। ओके, तो साहिल भाई पहले क्या बेटाज देखेंगे? पहले बेटाज देखते हैं। ओके ठीक है। तो साहिल भाई, ये फर्स्ट बेटा जो अपन देख रहे हैं, ये कौन सी बेटा है, क्या नाम है इसका? इसका एक ब्लैक मिलानो बोलते हैं उसको, जैसे आप देख रहे हो ब्लैक एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन रहता है इसके अंदर। सो दैट इज अ ब्लैक मिलानो, एंड जस्ट नेक्स्ट टू इट इट इज अ येलो बटरफ्लाई। येलो बटरफ्लाई, या एंड उसके बाजू में आप और देखोगे तो दैट इज अ ब्लू बटरफ्लाई। दिस वन, ये एक ब्लू बटरफ्लाई है, फोकस होगा। दिस इज अ पिंक सैलामेंडर, पिंक सैलामेंडर। देन आफ्टर दैट इफ यू सी थोड़ा ड्रैगन्स है, ड्रैगन से इसके बाजू में मेटालिक रेड है, दैट इज अ मेटालिक रेड ड्रैगन। फिर आप नीचे देखोगे तो मस्टर्ड गैस वगैरह सब यहाँ पे आया हुआ है, फैंसी है, मस्टर्ड गैस है। इसके बाद में येलोस है, यहाँ पे गैलेक्सी कोइल वगैरह है। ये साहिल भाई, ये जो प्लकार्ड में आता है वो वाली वेराइटी है ये? एग्जैक्टली, ये गैलेक्सी कोइल बोलते हैं उसको। ये थोड़ा एक्सपेंसिव साइड में रहता है, बट इसका डिमांड ऑलवेज रहता ही है मार्केट में। तो साहिल भाई, इसमें अपन प्राइस रिवील करेंगे या क्या रेंज बता देंगे? एक्चुअली 350 से स्टार्ट होता है एंड इट गोज अप टू 1500 पर पीस। सो स्पेसिफिकली तो प्राइस बताना वुड नॉट बी पॉसिबल, बट यू कैन से 350 से स्टार्टिंग रेंज इज फ्रॉम 350। सो जिसके को भी कोई भी चाहिए बेटा फिश, तो आपसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं? एग्जैक्टली, यू कैन कॉन्टेक्ट मी, कॉल कर सकते हो आप, शॉप का एड्रेस लिंक में मिल जाएगा आपको, आप आके एनी टाइम विजिट कर सकते हो शॉप का। ओके, और साहिल भाई, किसी को जिसको चाहिए आउट ऑफ महाराष्ट्र मुंबई, जिसको चाहिए तो उसके लिए क्या? उसके लिए भी सिंगल पीस चाहिए तो सिंगल पीस भी डिलीवर हो जाएगा, क्वांटिटी में चाहिए तो क्वांटिटी आल्सो विल बी डिलीवर्ड। सिंगल दो तीन पीस है तो आपको होम डिलीवरी हो जाएगा ऑल ओवर इंडिया मेजॉरिटी सिटीज में। और बाकी अगर क्वांटिटी चाहिए तो फिर आपको क्वांटिटी आपको 30-40 पीसेस, 50 पीसेस, जितना भी चाहिए मिल जाएगा, बिकॉज वी ऑलरेडी हैव अराउंड 800 पीसेस, 900 पीसेस का स्टॉक रहता है हमारे पास। काफी भरा हुआ स्टॉक है और सारी कंडीशन तो भी अभी पूरी कंडीशन में नहीं है, क्योंकि कल ही शिपमेंट आया था। एग्जैक्टली, कल ही आया बस, तो अभी तक इनका फीडिंग भी प्रॉपर स्टार्ट नहीं हुआ है, तो उनको भी कम से कम 2-4 दिन में अभी ऑल सब रेडी हो जाएगा। तो साहिल भाई, ऐसे इनको कंडीशन में लाने के लिए इनको क्या फीड देना चाहिए और क्या मेडिकेशन निकालना है, कुछ बता सकते हैं आप इसके बारे में? फिशेस को तो ये देखो, जैसे हमने रेड ड्रैगन है, फिशेस को आप देखोगे तो जनरली हम लोग उसको बेटा बाइट प्रीमियम ही देते हैं फीडिंग के लिए। एंड एक कंडीशनर आता है, वाटर कंडीशनर, इट्स कॉल्ड बेटा बाइट हर्बल वाटर। जैसे आप देखोगे थोड़े पानी का कलर स्लाइटली येलो टैन कलर्स है, तो दैट हर्बल वाटर गिव्स अ टैन इफेक्ट टू द वाटर विच इज़ गुड फॉर द फिशेज, जिसको वो कंडीशन में रखता है। एंड वो डालने से जनरली फिशेज को बीमारी नहीं होती, जैसे फिन रॉट हो गया, गिल्स प्रॉब्लम हो गया, पॉपाई वगैरह हो गया, फिशेज उससे मेजोरिटी ऑफ द टाइम बचे हुए रहते हैं। तो साहिल भाई दिखा सकते हैं, अपने पास अभी अवेलेबल है दोनों चीज़? डेफिनेटली दोनों अवेलेबल है, दोनों दिखा देंगे। तो ये साहिल भाई के एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स ज़ोटिक एक्वाटिक्स के। तो साहिल भाई, जरा ये प्रोडक्ट्स के बारे में बता दीजिए और क्या है? ये जो है दैट इज बेटा बाइट्स प्रीमियम, दैट इज ओनली फीड जो यहाँ पे हम लोग फाइटर्स को देते हैं, एंड इसका रिजल्ट और रिव्यू भी काफ़ी अच्छा मिला है हम लोग को। इट्स बीन अराउंड 2-3 ईयर्स, एंड अगर आप देखोगे ध्यान से तो द पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल। तो क्या होता है, इससे फाइटर्स को खाने में आसानी पड़ती है, वरना अगर साइज पैलेट्स का बड़ा होता है तो एक बार निकालेंगे फिर मुंह से निकाल देंगे, सो दैट कपल ऑफ टाइम्स करने से पानी क्लाउडी हो जाता है। एंड विद दिस यू नॉट फेस एनी क्लाउडी वाटर प्रॉब्लम, एंड जनरली मेजॉरिटी ऑफ द फिशेज दे एक्सेप्ट इट वेरी सून एज वेल। तो ये काफ़ी रनिंग प्रोडक्ट है अपना, जैसा बोल सकते हो। एंड दिस इज हर्बल वॉच टू ओ, दिस इज आवर प्रोडक्ट एज वेल,
जैसे आप, मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। अभी आप जैसे देखोगे ये जो टैंक है इसके अंदर का वाटर कंडीशन प्रॉपर है, बट अभी जब इसमें मैं दो चार ड्रॉप इसका डालूंगा तो आप देखोगे थोड़ा पानी का कलर चेंज हो जाएगा, थोड़ा टैनिंस रिलीज करेगा ये अपना। सो जिसके वजह से फिश विल ऑलवेज बी इन कंडीशन। मैं इसे बोलूँगा नहीं एक दो ड्रॉप में काम हो जाएगा, बिकॉज इट इज़ नॉट अ केमिकल ब्रेज प्रोडक्ट। सो हर्बल वाटर है तो नेचुरली हर्बल यूज किया हुआ है इसमें, तो थोड़ा क्वांटिटी ज़्यादा डालना पड़ता है, बट द रिजल्ट्स आर इक्वली गुड है इसमें। मतलब साहिल भाई बोल सकते हैं ये नेचुरल प्रोडक्ट है, इसमें कोई केमिकल इंग्रेडिएंट्स नहीं है, सो दिस इज गुड फॉर फिशेस फिन्स और फिर बाकी सब जो कलरेशन। कोई नेचुरल, पूरा नेचुरल प्रोडक्ट है, कोई केमिकल वगैरह इसमें यूज नहीं किया हुआ है। सो इट विल नॉट हार्म द फिशेस इन एनी वेज। दिस कैन बी यूज फॉर फाइटर्स, श्रिम्स, टेट्रास, मेजोरिटी ऑफ द स्कूलिंग फिशेज एज वेल। जैसे आप देख सकते हो कंडीशन में, थोड़ा कंडीशन में आने में भी हेल्प करता है फिशेज को। पहले शायद फ्लेयर नहीं कर रहा था इनिशियली, बट थोड़ा डालने के बाद थोड़ा आपको लगेगा कि फिशेज थोड़ा कंडीशन में आ जाते हैं उसमें। और मैंने पर्सनली भी ये प्रोडक्ट यूज़ किया, काफ़ी बेटर इसको, मतलब फिश फूड एकदम अटैक करके खाते हैं, और इसका जो हर्बल है मैं भी डालते रहता हूँ, सो इट कीप्स इन अ गुड कंडीशन। मतलब टेट्रास वगैरह में भी यूज़ होते हैं काफ़ी, तो मेरा सजेशन ये है कि आप बेटा लेते हो तो ये दोनों प्रोडक्ट ज़रूर आप यूज़ करके ट्राई करके देखें, डेफिनेटली इसका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा है और आपको दिख के आएगा उसका रिजल्ट। तो ये था थोड़े बहुत फाइटर्स जो साहिल भाई ने अपने को दिखाए वीडियो में जो जो है, और काफ़ी स्टॉक साहिल भाई के पास पड़ा हुआ है, 800-900 बेटर स्टॉक्स एट अ टाइम पड़े हुए जिसको भी चाहिए। ये फास्ट सेलिंग है और एक्जॉटिक एक्वाटिक्स का है, मतलब बोल सकते हैं काफ़ी पॉपुलर बेटर्स है, आप देख सकते हो यहाँ पे। जिसको भी चाहिए साहिल भाई से कॉन्टैक्ट करें, शॉप में भी आके ले सकते हैं, जो भी क्वेरीज है साहिल भाई को पूछ के वो बता देंगे। फारूक भाई का भी नंबर है, आज वो है नहीं लेकिन उनका नंबर भी मैंने डाल दिया, वो भी आपको गाइड कर देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारा स्टॉक पड़ा हुआ है साहिल भाई के पास। सो अभी नेक्स्ट वैरायटी कवर करके देखते हैं जोटे एक्वाटिक्स में और क्या क्या है। तो साहिल भाई नेक्स्ट वैरायटीज जो है क्या देखने वाले अभी? जैसे आप देखोगे ये पूरा टेट्रा का सेक्शन है, यहाँ पे आप देखोगे तो प्लैटीज से स्टार्ट करते हैं। ये प्लैटीज मिल जाएंगे आपको, डबल कलर में प्लैटीज है। उसके बाजू में आप देखोगे तो मून टेल मॉलीज है, ब्लैक मून टेल मॉलीज। एंड आफ्टर दैट गप्पीज अवेलेबल है, एलिफेंट ईयर गप्पीज है, मोज़ेक एलिफेंट ईयर गप्पीज। तो साहिल भाई ये गप्पीज के ऊपर मैं थोड़ा फोकस करूंगा कि ये जो नॉर्मल गप्पीज है वो नहीं है, थोड़ा सा एक्सोटिक वैरायटी। एग्जैक्टली, इसके आप ईयर्स पे अगर फोकस करोगे ना तो इसके ईयर्स थोड़े बड़े रहते हैं। दीज आर कॉल्ड एलिफेंट ईयर गप्पीज। ओके, तो गप्पीज की भी चार पांच वैरायटी रहती है, बट अभी फिलहाल तो स्टॉक खत्म हो गया गप्पीज का, बट वी हैव मेनी अदर वैरायटीज लाइक गप्पीज। यहाँ पे गप्पीज का एक और आपको मिल जाएगा, दीज आर कॉल्ड एंडा गप्पीज। ये एंडा गप्पीज है, एंड नीचे आप देखोगे छोटे से जो व्हाइट है, दीज आर कॉल्ड कॉरिडोरास। ये बॉटम फीडर्स रहते हैं, तो जनरली प्लांटेड टैंक्स में यूज होते हैं बॉटम फीडर्स कैस। एंड नेक्स्ट टू दैट आप देखोगे तो दीज आर ब्लड रेड शॉर्ट बॉडी प्लैटीज। ये भी थोड़ा एक्सोटिक वैरायटीज है, वही ये थोड़ा शॉर्ट बॉडीज में है प्लैटीज, एंड ये भी आप देखोगे पूरा कंडीशन में है। दीज आर प्योर ब्लड रेड इन कलर। ओके, तो साहिल भाई इनके लिए कुछ स्पेसिफिक फीड वगैरह कुछ है? ये भी आप टेट्रा वैरायटी जितना भी आप शॉप पे देखोगे सबको बेटाबाइस प्रीमियम ही दिया जाता है यहाँ पे। एंड सम टाइम एंड देयर इनिशियल स्टेज पे आते हैं तो उनको एक दिन के लिए ब्लड वर्म्स देते हैं, बट उसके बाद टोटली बेटा बाइज प्रीमियम पे। सो व्हाट एवर फिशेज यू बाय फ्रॉम अस उनको बेटा बाइज प्रीमियम दे एक्सेप्टेड फ्रॉम द फर्स्ट डे इटसेल्फ। ओके, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे नियॉन टेट्राज है, नियॉन टेट्राज है, सिल्वर टिप है। एंड ओके, ये वाली कौन सी साहिल भाई? सिल्वर टिप टेट्राज बोलते हैं उसको। ओके, एंड यहाँ पे आप देखो तो अनुबियस भी है हमारे पास। ओके, अनुबियस भी किसको? प्लांटेशन अनुबियस नाना जो आता है के शूट्स भी यहाँ पे मिल जाएगा आपको। ओके, पिंक ज़ेब्रास है, पिंक ज़ेब्रास, ये कॉमन वाले जो ज़ेब्रा, रेगुलर पिंक ज़ेब्रास है। ओके, तो साहिल भाई ये थर्ड वैरायटी गप्पीज की देख रहे हैं, ये भी क्या फैंसी वैरायटी है? फैंसी वैरायटी की गप्पीज है, पर थोड़े बड़े साइज में है। जैसे आप कंपेयर करोगे दूसरी गप्पीज से तो थोड़े बड़े साइज में फैंसी गप्पीज है। ओके, ये दूसरी एक और टेट्रा वैरायटी है, जनरली प्लांटेशन में यूज होने वाले फिशेज है ऐसा। ओके, बाद में फिर और गप्पीज है छोटे छोटे साइज में, मेल्स फीमेल्स दोनों है इसमें। ओके, ये भी फैंसी वैरायटी, फैंसी वैरायटी की गप्पी है। उसके बाजू में एक और है येलो गप्पीज है, येलो के मेल फीमेल्स दोनों मिल जाएंगे इसमें भी आपको। ओके, तो काफ़ी साहिल भाई के पास गप्पीज में भी वैरायटीज है। तो साहिल भाई अभी नेक्स्ट कौन सा देखेंगे? मैग्मा फ्लावरॉन है, जिसे आप देखोगे इसका साइज मैक्सिमम 3 inches के आसपास ही रहेगा, एंड हेड भी काफ़ी अच्छा पॉप हो चुका है उसका। वे 3 inches के आसपास मैग्मा फ्लावरों से रेड ड्रैगन्स भी आते हैं अपने पास ये साइज में, अभी फिलहाल सिर्फ 2 ही पीस बचे हुए हैं। ओके, तो काफ़ी इसका पर्ल्स ही, मतलब पर्ल थोड़ा ज़्यादा पॉप होता है उसके, साइज भी इसका हेड का जो है कंपेरेटिवली थोड़ा अच्छा ग्रो हुआ है। मतलब छोटे साइज में क्या इंच का रहेगा ये? 3 inches के आसपास रहेगा इसका बॉडी साइज।
थ्री इंचेस में काफी इसने अच्छा हेड ग्रो कर लिया, थ्री इंचेस में थोड़ा अच्छा हेड ग्रो हो गया। फिर उसके बाजू में आप देखोगे तो ऑस्कर्स हैं, अभी स्टॉक खत्म हो चुका है ऑस्कर्स का, दो चार ही बचे हुए हैं। आगे आप देखोगे तो यहाँ पे ग्लो विडोज हैं, इसमें रेड है, ग्रीन है, पर्पल है, येलो भी है, इसमें ब्लैक विडोज है, ग्लो विडोज है, एंजल्स है, डायमंड एंजल्स, प्लैटिनम एंजल्स। और साइड में पीछे कोई एक प्लांट दिख रहा है मेरे को, पॉट वाला, वो करेक्ट, वो उसमें कुकुम्बा प्लांट्स है जो पॉट प्लांट्स के हिसाब से भी यूज कर सकते हो, फ्लोटिंग भी यूज कर सकते हैं आप उसको। तो ये अगर कोई टैंक में सिर्फ पॉट के साथ डाल देगा तो भी चलेगा, तो भी चल जाएगा, उसको ज्यादा स्पेसिफिक CO2 अलग से लगाने की जरूरत नहीं है उसमें। ओके, तो ये एंजल्स भी है ना, एंजल्स इसमें डायमंड एंजल्स है, स्कार एंजल्स है, प्लैटिनम वाइट एंजल्स है, तीन वैरायटीज है। ओके, यहां पे गोल्ड फिशेस है अपने पास, छोटी साइज में ओरेंडा है, ओरेंडा गोल्डफिश छोटे साइज में, छोटे साइज में। इसके बाजू में आप देखोगे तो पर्ल गोरामीज हैं, बड़े साइज के डॉलर्स हैं, एंड नीचे रेड प्लैटीज, शॉर्ट टेल प्लैटीज हैं, रेड आई टैंजरीन, रेड आई टैंजरीन से शायद खत्म हो गया, रेड आई टेट्रा, रेड आई टेट्राज हैं, प्लैटीज हैं। उसके बाजू में आप देखोगे तो ये सेंटा क्लॉज मॉल ही है क्या साइज भाई, उसमें सेंटा क्लॉज भी है, शॉर्ट टेल भी है और सादे वाले सेंटा क्लॉज भी है उसमें। इसके बाजू में आप देखोगे तो बबल आई गोल्ड फिश है, ये काफी यूनिक है साइज़ पे, थोड़ा इसके बारे में पूछना है, जिससे उसको नाम मिलता है बबल आई गोल्ड फिश। सो ये भी काफी कम आता है, बट इस बार आया हुआ है स्टॉक में। साहिल भाई इसमें मैं देख रहा हूँ तो रांचो वराइटीज में आ रहा है, इसका ऊपर का फिन है नहीं तो क्या, या वैसे ही टाइप में है। और आप दूसरे भी देखोगे तो कैलिको गोल्ड भी है उसमें, यहाँ पे छोटे साइज में जो है कैलिको गोल्ड है, और ये बबल आई रांचो टाइप में, ये कैलिको गोल्ड है, ये कैलिको गोल्ड है। बाजू में आप देखो तो मिक्स टेट्रा वराइटीज है, रोजी बाब्स है, टाइगर बाब्स है, ब्लैक गोश्त है उसमें, रेनबो शार्क्स हैं। तो ये भी एक थोड़ा कम्युनिटी टैंक जैसा बनाया हुआ है, तो ये जो आपने कम्युनिटी बनाया तो इसलिए मतलब ये सब पीस एक साथ रह सकते हैं। Exactly. जैसे आप देख सकते हो शायद गोश्त फिश जो है वो बड़े होने के बाद इनके साथ नहीं रहेंगे, बट बाकी सब आप रख सकते हो, टाइगर बाब्स, रोजी बाब्स, रेनबो शार्क्स, ये सब एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। बाद में आप देखोगे तो ये जैसा प्लांटेड टैंक है, मतलब ये प्लांट्स आर फॉर सेल, ओके, सब पॉट प्लांट्स है ना, सब पॉट प्लांट्स, इसमें मॉलीज रहेंगे, थोड़े बेबीज भी आपको दिख जाएंगे मॉलीज के, बिकॉज ये क्या थोड़ा नेचुरल एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है उनके लिए ब्रीडिंग वगैरह के लिए, तो इनके लिए थोड़ा अच्छा रहता है ये। तो ये काफी मिक्स वैरायटीज ऑफ प्लांट्स बोल सकते हैं, मिक्स वैरायटी प्लांट्स है। तो ये साइज में ये पूरे सेल के लिए, एग्जैक्ट, ये सब कुछ जो भी आपको दिखा रहे सब सेल के लिए यहां पर। तो साहिल भाई यहाँ पे एक मैं बड़े साइज का ऑस्कर देख रहा हूँ, ये भी फॉर सेल है क्या? सब कुछ सेल पे है, ये टाइगर ऑस्कर है, इसमें कॉपर ऑस्कर है, ये काफी बड़े साइज के, अराउंड 7-8 इंचेस के, इसलिए इनको एक टैंक में एक रखा हुआ है, तो दो टैंक थोड़ा ज्यादा कंजेस्टेड हो जाएगा इनके लिए। ओके, तो उसके बाजू में भी आप जैसे देखोगे तीन पीस के पास अभी अवेलेबल है बड़े साइज में, और एक वहाँ पे एक, एग्जैक्टली, कॉपर ऑस्कर है, टाइगर ऑस्कर है, तीनों भी अवेलेबल है अपने पास। तो काफी एक्टिव है साहिल भाई ये, काफी एक्टिव भी, इसी में से आप देखोगे थोड़ा एग्रेसिव भी है, तो इसको क्या फीड साइज पे, अगर किसके पास ऑस्कर है जो छोटे साइज में आपसे लेके आता है उसको ये साइज ग्रो करना है, तो उसके लिए आप क्या सजेशन दोगे कि क्या फीड वगैरह? अगर पेलेट्स पे रखना है तो फिर आप उसको हिकारी का पेलेट्स दे सकते हो, और अगर आपको दूसरा जल्दी ग्रो करवाना है तो आप लाइव फीड दे दो, चिकन लिवर दे, चिकन हार्ट दे दो, गोट हार्ट दे सकते हो आप, तो उससे जल्दी ग्रोथ साइज पकड़ लेती है फिशेज की। तो साहिल भाई यहाँ पे एक टर्टल है, ये कौन सा टर्टल है? ये एक येलो बेली स्लाइडर है, बड़े साइज में, ये एक येलो बेली स्लाइडर है, जैसे आप देखोगे इसका बैक एंड शेल्स पे पूरा येलो स्केल्स रहेगा, एंड क्लॉज वगैरह पे भी थोड़ा येलो पैटर्न रहता है, जनरली रेड बेली स्लाइडर आता है, तो ये एक येलो बेली स्लाइडर है, तो काफ़ी बड़े साइज में है ये अभी, मतलब ये सेम बोल सकते हैं लेकिन ये येलो वेरियंट, एग्जैक्टली ये येलो वेरियंट आता है, थोड़ा एक्सपेंसिव है कम्पेयर टू द रेड वेली स्लाइडर्स। ओके, तो इसका काफी बड़े साइज में भी है, इसका क्या मतलब, किसी को अगर छोटे साइज में चाहिए रहेगा कॉइन साइज अगर कोई डिमांड करे तो आपके पास मिल जाता है, पर इसका अवेलेबिलिटी थोड़ा कम रहता है कंपैरेटिवली, जैसे रेडियस स्लाइडर्स तो कभी भी मिल जाता है, बट येलो वेली थोड़ा कम आता है और थोड़ा एक्सपेंसिव है, इस वजह से इसका डिमांड भी थोड़ा ज्यादा ही रहता है हर बार। ओके, तो साहिल भाई यहाँ पे मैं एक फ्लावर देख रहा हूँ, काफी ब्यूटीफुल है उसका कलरेशन, मतलब दो तीन कलर देख रहा है उसमें, एकदम छोटे साइज में उसका हेड भी अच्छा और काफी कंडीशन है, तो ये क्या फ्लावर येलो बेज है, आप देखोगे इसका बेस पे थोड़ा येलो कलर आया हुआ है, येलो बेस रेड ड्रैगन है, उसमें पर्ल्स भी है उसके हेड पे, काफ़ी अच्छा पर्ल मार्किंग भी है, तो ये जो बचा हुआ थोड़ा पीस रहता है उसमें से ये एक अपने पास बचा हुआ है अभी, एंड वो मैग्मा जो आपने देखा वो, एंड उसके बाजू में आप देखोगे तो छोटे साइज के डॉलर्स हैं,
सिल्वर डॉलर है छोटे साइज में। तो मोस्ट ऑफ द वैरायटी जो भी आपको चाहिए मिल जाएंगे। नीचे बड़े साइज के गोल्ड फिशेज है, बड़े साइज के गोल्ड फिशेज अपने पास है, मिल्की कोईज है, उसके बाजू में थोड़े छोटे साइज के गोल्ड फिशेज अवेलेबल है, देन नीचे गोरामीज है, ब्लैक शार्क्स है। और साहिल भाई इसमें स्नेल्स दिख रहे हो? दो एप्पल स्नेल्स हैं, बट जनरली वो प्लांट ईटर्स होते हैं तो इसलिए उसको ज़्यादा ये नहीं किया हुआ है, छोटे साइज के एप्पल स्नेल्स हैं, उसके बाजू में ब्लैक शार्क्स है अपने पास। और साहिल भाई व्हाइट शार्क्स है क्या अपने? शार्क्स है, इसके टिनफॉल्स के साथ में रखा हुआ है इसको। साहिल भाई इसमें एक और वैरायटी की फिश दिख रही है, कौन सी है? ये पाकू है इसके अंदर, और एक ऑस्कर भी होगा शायद उसके अंदर, आप देखोगे तो एक टाइगर ऑस्कर है, कॉपर ऑस्कर है। तो यहाँ पे एक है वेरी ब्यूटीफुल, एक क्या बोलते हैं साहिल भाई इसको, जरा मेरे को बताएंगे आप? ये एक टैरेंटुला है, चाकू गोल्डन नी टैरेंटुला बोलते हैं इसको। एक बार नाम रिपीट कर देंगे साहिल भाई? चाको गोल्डन नी टैरेंटुला। चारकोल गोल्ड? चाको गोल्ड नी नी टैरेंटुला। ओके, इसे आप देख सकते हो, उसका साइज काफ़ी बड़ा है। एंड दिस इज अ फीमेल, तो फीमेल टेंड टू लिव फॉर अराउंड 20 ईयर्स। तो साहिल भाई इसमें होता है कि मेल थोड़ा सा कम रहता है। एग्जैक्टली, जरा बताएंगे मेल जो रहते हैं वो 6 to 7 years तक अलाइव रहते हैं, एंड फीमेल जो है दे टेंड टू लिव फॉर मोर देन द मेल। ओके, तो ये फीमेल है? एग्जैक्टली, ये फीमेल है। तो साहिल भाई ये भी किसको चाहिए रहेगा तो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? एग्जैक्टली, ये भी मिल जाएगा आपको। दूसरे काफ़ी सारे वैरायटी टैरेंटुलाज आते हैं अपने पास, अभी फ़िलहाल ये बचा हुआ है। इगुआनास रहते हैं, बट अभी इगुआनास तो ख़त्म हो गया। तो एग्जॉटिक में जो भी है सब मिल जाएगा साहिल भाई? एग्जैक्टली, सब आपको एग्जॉटिक वैरायटीज में जो भी चाहिए आपको सब मिल जाएगा अपने पास। ओके, तो जिसको कोई चाहिए साहिल भाई से कॉन्टैक्ट करें, आप बता सकते हो साहिल भाई इसके बारे में डिटेल्स पूरा दे देंगे, तो साहिल भाई को व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो और एक्जॉटिक एक्वाडिक्स का इंस्टाग्राम पेज भी है, उस पर भी साहिल भाई डालते रहते हैं, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आपको वहाँ पे भी आप साहिल भाई से कनेक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में डिटेल्स लेना है तो करें। इंस्टा पेज फॉलो कीजिए, सबसे पहले जो फाइटर्स का स्टॉक आता है सबसे पहले इंस्टाग्राम पे ही हम लोग अपडेट होता है उसके। ओके, तो जो भी अगर आपको अपडेट्स चाहिए तो साहिल भाई के इंस्टा पेज है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको फॉलो कर दो। और साहिल भाई उसके ऊपर काफ़ी रेगुलर अपडेट्स डालते रहते हैं, बेटास के ऊपर जो भी एक्जॉटिक एनिमल आते हैं साहिल भाई के पास, फिशेज आते हैं, सब इसके ऊपर अपडेट रहता है। तो साहिल भाई और क्या बोलना चाहेंगे अपने व्यूअर्स को? बस और कुछ नहीं, बाकी बेटास सब कुछ मिल जाएगा अपने पास, टेट्रा वैरायटी से लेके एक्जॉटिक फिशेज, एक्जॉटिक बेटास, एक्जॉटिक रेप्टाइल्स भी मिल जाएंगे। अभी फिलहाल तो ज़्यादा स्टॉक है नहीं अपने पास अवेलेबल, आज बेटास का स्टॉक आया हुआ है, काफ़ी अगर वापस जब कोई नया स्टॉक आएगा डेफिनेटली विल अपडेट ऑन दिस चैनल। ओके साहिल भाई, थैंक यू, काफ़ी एक टाइम निकाला आपने, काफ़ी टाइम बाद मिले। और जो भी है साहिल भाई के, और जिसको भी डिटेल जानना है साहिल भाई को कॉल करो। साहिल भाई कॉन्टैक्ट का क्या मतलब, कितने टाइम में कॉल करना चाहिए और क्या शॉप का टाइम? कॉन्टैक्ट में टाइम पे आप कभी भी कॉल करो, पर कैसा पता है, अभी कभी कभी आप बोलते हो ना फोटोज़ नहीं भेज रहे हो आप, पर क्या प्रॉब्लम होता है, फोटोज़ निकालने के लिए टाइम मिलना चाहिए, बिकॉज शॉप पे क्राउड रहता है तो दिन में पॉसिबल नहीं होता है फोटोज़ निकालने के लिए, बट डेफिनेटली जैसे भी टाइम मिलता है वी ट्राई टू क्लिक पिक्चर्स एंड सेंड टू द क्लाइंट्स एज वेल। थोड़ा डिले होगा बट वील डेफिनेटली सेंड यू द पिक्चर्स। साहिल भाई का ऐसा रिस्पांस टाइप भी काफ़ी क्विक है, जो भी है पूरा ऑल ओवर इंडिया साहिल भाई सप्लाई करते हैं जो भी है। तो और जो भी है आप कमेंट सेक्शन में बता दिए। और साहिल भाई मेरा एक और क्वेश्चन है कि जो भी जिसके ऊपर अगर बेटा के ऊपर जिसको भी क्वेरीज है वो क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, फिर अपन एक वीडियो बना के बना सकते हैं। डेफिनेटली कुछ एक क्वेश्चन आंसर सेशन जैसा, या फिर आपको कुछ अगर क्वेश्चन है जो ज़्यादा क्वेरीज आती है उसके ऊपर अपन एक वीडियो बना देंगे उसके ऊपर भी, ठीक है, हेल्प द हॉबीज टू ग्रो एज वेल। तो काफ़ी बेटर्स का भी क्रेज़ साहिल भाई ने बढ़ा दिया इंडिया में बोल सकते हैं। तो और भी इसके बारे में अगर आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन, कुछ भी क्वेरीज है कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, तो फिर मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा साहिल भाई के साथ, तो उसके ऊपर वो मैं क्वेश्चन सारे पूछूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, नहीं पसंद आए डिसलाइक भी कर सकते, कमेंट सेक्शन में बताओ क्या अच्छा लगा क्या अच्छा नहीं लगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। टिल देन कीप वॉचिंग ऑफिश एंड वेट फॉर अदर वीडियो। टेक केयर, बाय।